हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे आई थिंक। मैं आपका दोस्त अनुराग जायसवाल स्वागत करता हूँ आपके चैनल KCL ट्यूटोरियल में। हम लोग बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट फोर पढ़ रहे हैं और उसका लास्ट लेक्चर है। इसके पहले किसमें इस यूनिट फोर में तीन चैप्टर्स थे, एंटी कन्वल्जिव और सेडेटिव हिप्नोटिक्स, और इससे पहले एक था एंटी साइकोटिक, हमने ख़त्म कर लिया है। इस लास्ट लेक्चर में यूनिट फोर के हम सिंथेसिस लेकर आए हैं। तीन सिंथेसिस है, फेनिटवाइन, कार्बामाजेपिन और इथोसक्सिमाइड की। तो क्योंकि फ्रेंड थोड़ा सा लॉकडाउन के चक्कर में इंक्स ख़त्म हो गई है, लेक्चर्स में ले पाना मुश्किल था, इसलिए मैं आपको इस तरह से बुक का स्क्रीन शॉट लेकर आ रहा हूँ और वो समझाऊंगा कि सिंथेसिस कैसे याद करेंगे। पहला सिंथेसिस है फेनिटवाइन। मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, फेनिटवाइन सिंथेसिस याद करने से पहले सबसे पहले उसका इंड प्रोडक्ट देख लो। उसका इंड प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है इंड प्रोडक्ट में, इसको पहले आप देख लीजिए कैसे है। दो फॉर्म होते हैं फेनिटोइन के, कीटोन फॉर्म होता है, किनॉल फॉर्म होता है। आपको दिख रहा है पहले वाले में जिसमें डबल बॉन्ड लगा है वो कीटोन फॉर्म है, और फेनिटोइन जो है वो इनॉल फॉर्म है। तो आप कोई भी एक फॉर्म लिख लीजिएगा, कीटो इनॉल फॉर्म दोनों ठीक है। तो अब हमको स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि दो बेंजीन रिंग दिख रही है, बेंजीन रिंग के साथ कार्बन है और कार्बन के साथ ये इंडोल रिंग है, उस पर रिंग के साथ क्या है फ्रेंड, और ये ग्रुप लगा हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस, अपनी कॉपी में लिखिएगा। सबसे पहले स्टेप पर फ्रेंड क्या लेते हैं, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं और दोनों बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में जब हम बेंजोइन कंडेंसेशन कराते हैं, अभी आपने पढ़ा होगा बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो जब बेंजोइन कंडेंसेशन कराते हैं तो बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इसका पूरा मैकेनिज्म है कैसे होता है, तो बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजोइन बना। अब ये जो बेंजोइन में आप देखते हैं क्या है, एक तरफ OH ग्रुप है, एक तरफ कीटोन है, हमें दोनों तरफ कीटोन ग्रुप चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका नाइट्रेशन, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम बेंजोइन का या तो नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं या कॉपर सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा बन जाएगा बेंजिल, यानी बेंजोइन से बन गया बेंजिल, तीसरा स्टेप। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम बेंजील में रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराएंगे। रीअरेंजमेंट क्या, आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेंजीन के साथ दो कार्बन के बीच, यानी दो बेंजीन के बीच दूरी है दो कार्बन की है, हम जब रीअरेंजमेंट कराएंगे तो एक कार्बन को नीचे ले आएंगे और दूरी दोनों के बीच एक कार्बन की बचेगी, तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और इसके साथ किस कराएंगे, एथेन सोडियम एथॉक्साइड के साथ हम कराएंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और एक कीटोन ग्रुप बदल जाएगा आपके एल्कोहल में और दूसरा कार्बन के जस्ट नीचे कार्बन आकर रीअरेंज हो जाएगा और एथेनॉल ग्रुप जो कि आके वहाँ पर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा बेंजेलिक एसिड एस्टर, ठीक है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रहा है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, हमें इसमें यूरिया के साथ रिएक्शन कराना है। यूरिया फॉर्मला होता है NH2CO NH2। अब आप देखिए कि जब अगले स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे यूरिया के साथ रिएक्शन कराया, तो ये यूरिया इस बेंजेलिक एसिड एस्टर के साथ मिलकर के क्या होगा, यहाँ पे वाटर निकलेगा, एथेनॉल निकलेगा और ये आपस में कंडेंस हो जाएंगे और ये फेनिटोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये स्ट्रक्चर मैं, क्योंकि मैं बताता हूँ, मुझे पता है मैं अगर बोर्ड में समझाता तो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाता, लेकिन मजबूरी है मैं बोर्ड में इसको नहीं बता पा रहा हूँ, इंक खत्म हो चुका है, लॉकडाउन में मिल नहीं रहा है। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे कहीं मिल जाता है तो क्लासेस फिर से स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी अब, ठीक है। तो ये फेनिटोइन का कीटो फॉर इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन होता है, ये आइसोमेरिज्म है। तो ये फ्रेंड बहुत सिंपल सा कंपाउंड था फेनिटोइन, ठीक है ना, इसको आप जरूर याद करो, फेनिटोइन एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसकी सिंथेसिस आपको याद करना है एनी हाउ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्बामाजेपिन की, ये बहुत आसान है। कार्बन की स्ट्रक्चर पहले देखिए कैसे बनेगा, जो बनाना उसको पहले देख लो क्या है, आपको देखो दिख रहा है डायजेपिन रिंग दिख रहा है, उसके साथ नीचे कार्बन नाइट्रोजन के साथ एक CONH2 ग्रुप लगा है, CONH2 देख रहे हैं, एक तरफ NH2 और ये हमारा कार्बामाजेपिन। कैसे बनेंगे, सबसे पहले हम जो रॉ मटेरियल प्रिकर्सर है, रॉ मटेरियल वो लेंगे हम 5-hydrodibenzazepine, ये हमारा जो कंपाउंड है इस रिंग को ले लीजिए और यहाँ पे नाइट्रोजन। अब क्या करिए, इसका रिएक्शन फॉस्जीन से कराइए। फॉस्जीन क्या होता है, COCl2। तो COCl2 का एक देखो ये वाला जो Cl है फ्रेंड, ये वाला Cl एक इसके S के साथ निकल जाएगा तो HCl निकलेगा और ये COCl आके जुड़ जाएगा। देखिए ये जब H निकला, HCl निकल गया तो COCl आके जुड़ गया। अब क्या कराते हैं, इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो Cl है और अमोनिया का NH3, यानी NH3 का एक H निकाल दो, NH2 बचेगा और Cl निकाल दो, HCl फिर निकाल दो तो HCl NH2 आके जुड़ जाएगा और ये Cl हमारा देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड यहाँ से निकल गया और बन गया हमारा क्या, कार्बामाजेपिन। क्लियर हो गया, ये हमारा दो स्टेप का रिएक्शन था, हमने इसको याद कर लिया, कार्बामाजेपिन के बारे में बात किया। अब हम तीसरी बात करेंगे इथोसक्सिमाइड, ये तीसरा रिएक्शन। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर इथोसक्सिमाइड, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इथोसक्सिमाइड क्या है। तो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये रिंग दिख रहा है 5-membered रिंग नाइट्रोजन के साथ, जिसमें दो फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपको दिख रहा है कि CH3CO2S5 ग्रुप लगा है। बस हमको कैसे बनाना है इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले एथिल मेथिल कीटोन और एथिल साइनो एसिटेट, यानी कि एक हमारा कीटोन और दूसरा हमारा यह है एसिटेट है, साइनो एसिटेट है, इन दोनों कंपाउंड्स को याद रिएक्शन कराएंगे। जब हम दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो दोनों के रिएक्शन क्या होंगे, आपस में कंडेंस हो जाएगा। कैसे होगा, आपस में क्या होंगे, दोनों फ्रेंड कंडेंस होंगे। कंडेंस क्या होता है, आप तीसरे लास्ट में CH3CCN लगा है
और उधर से CH3 है, C2H5 है, इन दोनों ग्रुप को जब हम कंडेंस करेंगे तो हमारा एथिल 2 साइनो 3 मेथिल 2 पेंटोनेट बनेगा। ठीक है, तो ये पहले आपको देखिए याद करना पड़ेगा रिएक्शन, क्योंकि खुद से लिख लिख के याद करना पड़ेगा कि एथिल मेथिल आयोकिटोन से एथिल साइनोसिटेट बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि दूसरा जो हमारा ये बनेगा कंपाउंड, अब इसमें से हम रिएक्शन कराएंगे SCN के साथ। जब हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं SCN के साथ, तो आप देखिए यहाँ पर चेंजेस क्या आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक जो ये आपका मिथाइल ग्रुप था यहाँ पे CN के साथ, देखिए ये वहाँ पे एक CN ग्रुप हम इसमें और जोड़ रहे हैं, जो हमारा ये डबल बॉन्ड के साथ है CH3 था, वहाँ पे एक CN ग्रुप और जोड़ रहे हैं, साइनाइड ग्रुप हम जोड़ रहे हैं और SCN ऐड किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम अगला डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे, CO2 निकालेंगे वहाँ से, तो क्या होगा ये एक हमारा नया कंपाउंड बनेगा, इसको बोलते हैं 2-ethyl-3-methyl-succinate-nitrile। उसके बाद इसको हम गर्म करके एक्वस H2 मीडियम में डायमाइड बनेगा, और डायमाइड से साइक्लाइजेशन कराएंगे तो क्या होगा एथोसक्सिमाइड बनेगा। ये थोड़ा सा आपको टीडियस लग रहा होगा, डिफरेंट लग रहा होगा, अगर मैं इसको बोर्ड में बताता तो हो सकता है 2-3 स्टेप में मैं आपको सॉल्व करके बता पाता, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी है मेरी, आपको मजबूरी है कि आपको यही याद करना पड़ेगा। आसान है, कुछ भी नहीं है, 2-3 बार इस रिएक्शन को लिखेंगे आप, 2-3 रिएक्शन करने के बाद ये आसानी से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, कुछ भी नहीं है, ये एथोसक्सिमाइड था। फिर ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सिंथेसिस फ्रेंड, ये हमारा यूनिट 4 के सारे सिंथेसिस ये खत्म हो चुका है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री के हम लोग यूनिट 1, 2, 3, 4 बहुत पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। आपके पास होने के लिए सिलेबस काफ़ी हो चुका है, आप बस मन लगा के 2-3 बार सारे वीडियोज़ को देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। बस एक यूनिट बचा है यूनिट 5, यूनिट 5 हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी। उस यूनिट 5 में बेसिकली कौन 3 चैप्टर है, एक जनरल एनेस्थेटिक्स है जिसको क्लोजी आप पढ़ चुके हैं, दूसरा एनाल्जेसिक्स है, ठीक है, और तीसरा हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक्स है। 3-3 चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।